हाय एवरीवन तो आज हम ट्रूचेंगे इस वीडियो के लेक्चर के अंदर कंटिन्यूशन में देखते हैं नीड्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन ठीक है इससे पहले हमने एसआरएस पढ़ लिया एंड दोनों टाइप्स के रिक्वायरमेंट पढ़ लिए फंक्शन एंड नॉन फंक्शन के ऊपर कंप्लीट डिटेलिंग में देख लिया एंड मैं आपको एक होमवर्क भी दिया था कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के जो बेसिक टाइप्स हैं जस्ट लाइक सिक्योरिटी यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस वगैरह इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है जो कि बहुत सिंपल है और दो दो लाइन की चीज़ें थी तो छोटा सा पार्ट भी कवर मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर लिया होगा तो हमें एस की ज़रूरत क्यों पड़ी है ठीक है तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को आप एस है ना आप एस बनाओगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर का तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एस बना क्यों रहे इसकी ज़रूरत क्यों है तो ये तो हमने पिछले देख लिया था कि एस आर एक तरीके का क्या है डॉक्यूमेंटेशन है पूरे होल सॉफ्टवेयर का ठीक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसका पूरा नाम है एंड आज हम देखेंगे इसकी ज़रूरत क्या तो सबसे पहली एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी नीड है वो है भैया क्लियर कम्युनिकेशन क्लियर कम्युनिकेशन किसके बीच क्लियर कम्युनिकेशन आप कह सकते हो भाई एक जगह पे जो क्लाइंट आ रहा है जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है कि भाई तुम मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बनाओ तुम मेरी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाओ फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट है ट्रू इंजीनियर के भैया अब वो चाह रहे हैं कि ट्रू इंजीनियर की एक वेबसाइट बना लें और एक सॉफ्टवेयर टीम है ठीक है तो सॉफ्टवेयर टीम मान लो कुछ यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो क्लियर होनी चाहिए क्लियर मतलब कि ट्रू जीने वाले भैया ने बोला कि मेरे को एक कंप्लीट वेबसाइट चाहिए उसके अंदर ये सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं ये सारे नॉन फंक्शनल रक्वायरमेंट हैं अब समझ में आ रहा है क्या चीज़ थी वो फंक्शनल रक्वायर नॉन फंक्शनल फंगशन क्यों पढ़ाना जरूरी था तो वो क्लियर अब ये सॉफ्टवेयर टीम को पता चल गया कि भाई ये अपने को काम करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर टीम अब सॉफ्टवेयर टीम को पता चल गया कि काम क्या क्या करना है उनको ठीक है क्लियर हो गई दोनों के बीच में हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि भाई इन्होंने सारी जो भी क्लाइंट है फॉर एग्जाम्पल ट्रून क्लाइंट है उसने बता दिया मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर टीम को कि भाई इसके अंदर मेरे पास ये ये फंक्शंस होने चाहिए वेबसाइट्स के अंदर सारे सेमेस्टर्स के नोट्स होने चाहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए एंड ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो इससे ये क्लियर कट आइडिया लग गया ओके okay? तो ये आप लिख सकते हो क्लियर कम्युनिकेशन सबसे पहले ये होनी चाहिए क्लियर कम्युनिकेशन एंड में सामने बजट भी बता दूंगा कि भाई मैं इतना बजट है मेरे पास इस बजट के अंदर मेरे को पूरा प्रोजेक्ट चाहिए क्लियर तो ये कम्प्लीट हो गई कम्युनिकेशन दोनों के बीच में इसी के अंदर आप पढ़ लो बहुत सिंपल है एंड एस आर एस सर्व एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज कम्युनिकेशन ब्रिज मतलब दोनों के बीच में किसके बीच में स्टैक होल्डर्स स्टैक होल्डर्स मैंने ऑलरेडी क्लियर किए हुए स्टैक होल्डर्स दो तरीके के होते हैं एक होता है इंटरनल स्टैक होल्डर्स एक होता है एक्सटर्नल स्टैक होल्डर्स इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो स्टैक होल्डर होते हैं जो कि डायरेक्टली तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कस्टमर्स यूजर्स डेवलपर टीम सॉफ्टवेयर टीम है ना डिज़ाइनिंग टीम ये सारे जो है डायरेक्टली काम कर रहे हैं है ना और एक्सटर्नल जो कि इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं जस्ट लाइक गवर्नमेंट के रूल्स ये सारे क्या होते हैं इनडायरेक्ट या फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं दो तरह के स्टेक होल्डर्स मैंने बता दिए ये शायद मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इट इंश्योर दैट एवरी वन इन्वॉल्व द इन द प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडबल वॉट नीड टू बी बिल्ड एंड हाउ इट शुड फंक्शंस तो ये हमें पता चल कि सॉफ्टवेयर टीम को किस तरीके की वेबसाइट बनानी है एंड कौन कौन से फंक्शंस रखने हैं क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब कम्युनिकेशन होगा तो मैं सारे रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा है ना जो भी मान लो ट्रूजे की वेबसाइट बनाएं तो मैं बताऊंगा सॉफ्टवेयर टीम को कि भाई ये मेरे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वेबसाइट से रिलेटेड ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसी से रिलेटेड सारी वेबसाइट तैयार करके दो मेरे को ठीक है तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हो जाएगा तो पहला नीड तो ये हो गया दूसरा है कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स तो ये दूसरी नीड है इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट तैयार होगा कम्प्लीट आउट, का आउटलेट बनेगा एंड मैं बताऊँगा कि यार सॉफ्टवेयर किस तरीके का चाहिए उसका साइज़ क्या होना चाहिए उसमें कितना खर्चा होगा मैं कितना खर्चा उठा पाऊंगा मैं उसको पूरा एकदम क्लियर कट आइडिया बताऊँगा एंड कम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन उसको बोलूँगा और मेरे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ड्रूनजा के डॉक्यूमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर टीम जो होगी वेबसाइट तैयार कर देगी और उसके बाद मैं बोलूँगा भाई नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट लाइक जितने भी आ, मतलब परफॉर्मेंस वाइज हो एंड बाकी सारे कंस्टेंट फुलफ़िल होने चाहिए तो ये सब इधर आ जाएंगे तो एक उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे क्या होगा कि एग्रीमेंट होगा ठीक है एग्रीमेंट समझते हो दो लोगों के बीच में जो डिस्कस हुआ है उसका एक प्रूव होगा ठीक है तो एस आर एस के अंदर ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्रीमेंट होता है कल को आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर बनाओगे या तो एग्जाम में अब जो नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे कि आपको कुछ भी एक सिचुएशन दे देगा एंड उस सिचुएशन में बोलेगा इसका एस आर एस तैयार करके रखो तो फिर कैसे करोगे भाई ठीक है तो ऐसे ही करोगे ये सारे नीड्स फ़ुलफिल होने चाहिए ठीक है ये सारी जो चीज़ें हैं आप बताओगे अभी वैसे स्ट्रक्चर जो होगा एस आर एस का वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा अभी उतना बस ज़्यादा दिक्कत मतलब बट एक इंपॉर्टेंट बात आता है एग्रीमेंट एग्रीमेंट दोनों है ना दोनों जगह से एग्रीमेंट जरूरी है क्लियर है तो जो वेबसाइट क्लाइंट दे रहा है उसकी तरफ से भी और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेगा उस टीम के अकॉर्डिंग भी जिससे कि फ्यूचर में किसी को कोई दिक्कत ना हो मैं बोल रहा हूँ कि यार इतने बजट मेरे को वेबसाइट चाहिए बट सॉफ्टवेयर टीम बोल रही है नहीं भाई बजट बढ़ रहा है तो बोलूँगा मत बना या फिर उस चेंज को कम कर ठीक है तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट एक एक होना चाहिए ठीक जो कि जरूरी है दूसरी अगली नीड क्या है एस आर एस की भैया गाइडेंस है कंप्लीट डेवलपमेंट की कि भाई इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी है डिज़ाइनिंग में क्या होना चाहिए यूज़र इंटरफेस किस तरीके से दिखना चाहिए कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए कोडिंग का कि कोडिंग में इतना टाइम देंगे और इतने लोग काम करेंगे ये सब होगा मतलब एक कंप्लीट ओवरऑल गाइडेंस होगी क्योंकि एस के अंदर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सारी चीजें भी कवर होंगी ठीक है गाइडेंस कवर होगा पूरा देन उसके बाद सारी टेस्टिंग होंगी ठीक है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो भी एस के अंदर रहता है तो नीड ऑफ एस का एक पार्ट होगा विच इज कॉल्ड टेस्टिंग देन उसके बाद रिस्क को मैनेज करना रिस्क मैनेजमेंट ठीक है तो ये भी कौन करेगा भाई ऑब्वियस ही बात है टीम करेगी सॉफ्टवेयर वाली तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एस आर एस के अंदर कह सकते हो ये सारे पार्ट्स कवर होते हैं क्योंकि एक कम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है एट द एंड एक गाइडेंस या एक एग्रीमेंट को भी फॉलो कर रहा है ये डॉक्यूमेंटेशन तो जिससे कि यार दोनों पार्टीज़ के बीच में एक क्लाइंट पार्टी एंड दूसरा सॉफ्टवेयर टीम की पार्टीज मतलब दोनों एंड से क्या होना चाहिए एग्रीमेंट साइन होना चाहिए एंड ये सारी नीड्स को मतलब जरूरी है ये सारी चीज़ों के लिए जैसे कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन होना नीड एग्रीमेंट होना चाहिए टेस्टिंग वगैरह तो इन सभी का क्या है एक कम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है ये सब एस की नीड है एस अगर नहीं बनाया तो ये सारे लफड़े हो सकते हैं ठीक है कल को कंपनी बोलेगा कि भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं ठीक है तो ये सब एस की ज़रूरतें हैं अगर हम एस नहीं बनाएंगे एस तो ये सारी कॉन्फ्लिक्स हो सकती हैं दिक्कतें हो सकती हैं क्लियर है बात तो आप ये सब एक्सप्लेन करेंगे एट दी एंड एक कम्प्लीट रेफरेंस है ठीक है कल को अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो उस चीज़ का एक कम्प्लीट क्या होगा रेफरेंस भी एस आर एस से ही सॉल्व होगा मतलब एस आर एस का एक इंपॉर्टेंट नीड के अंदर भी आप कह सकते हो रेफरेंस और मेंटेनेंस कल को कोई सॉफ्टवेयर को आप मेंटेन कर रहे हो डिप्लॉय करने के बाद जब सॉफ्टवेयर का जो फेस आता है वो मेन्टेनेस फेज आता है तो उस सिचुएशन में जब भी अपन रेफरेंस देखेंगे तो कौन सा रेफरेंस देखेंगे एस आर एस को देखेंगे क्योंकि एस आर एस एक तरीके का क्या कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ही है तो ये मेजर इंपॉर्टेंट नीड्स हैं सेवन है इनमें से आप कोई भी पाँच छः लिख दो कोई दिक्कत नहीं है सब के सब ईजी हैं यार मन से भी लिख सकते हो कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ है नहीं एंड ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एस आर एस एंड नीड्स क्या ज़रूरत है एस आर एस की या स्ट्रक्चर ऑफ एस आर एस ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो और अब आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि अब थोड़ी वैरायटी बदलने वाली है है ना तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है मान लो आपको एक दे दिया सिनेरियो सिनेरियो दे दिया या फिर आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से बना लिया पूरी कहानी से ठीक है तो कहानी दे दी कहानी दे दी या सिनेरियो दे दिया अब उस कहानी से कहानी में के भी लिख देते हैं उस कहानी से क्या होगा आपको पूरा एस आर एस तैयार करना पड़ेगा अब एस आर एस कैसे तैयार करते हैं वो आपको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझाएंगे मतलब एस आर एस का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है ठीक है तो एस आर एस का स्ट्रक्चर तैयार करके रखना है कि मान लो एक वेबसाइट है ट्रू इंजीनियर की वेबसाइट है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या लिखेंगे दैन उसके स्कोप्स के अंदर क्या क्या होगा तो मतलब पूरा क्वेश्चन दे देगा किसी के ऊपर भी लाइक like, लाइब्रेरी की मैनेजमेंट या लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको एक वेबसाइट तैयार करनी है कि एप्लीकेशन तैयार करना है सॉफ्टवेयर तैयार करना है तो उसका स्ट्रक्चर बताओ एस से ठीक है ऐसी हो सकता है आपको कॉलेज की वेबसाइट पूछ ले तो उसकी कहानी पढ़नी पड़ेगी आपको क्वेश्चन में और एट दी एन पूछेगा एस एस का स्ट्रक्चर तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे बट जो प्रेफरेंस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड देखो बात यह है प्री रिक्वेस्ट इसमें यही है कि एस आर एस पता होना चाहिए तो ये आपको स्ट्रक्चर बनाना आसान लगेगा ठीक है समझ रहे हो एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर कर लोगे ओके तो आज के लिए इतना रखते हैं एंड मैं होप कर रहा हूँ कि नीट समझ में आ गई कि एस आर एस क्यों ज़रूरी है भाई क्योंकि ये सारे कॉन्फ्लिक्स हो सकते हैं कल को एग्रीमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कल को इन सब चीज़ों से दिक्कतें आ सकती हैं कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में क्लियर नहीं है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं तो इन फ्यूचर अगर कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ करनी है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वो एस आर एस का ही है एस आर एस एक कम्प्लीट ओवरव्यू देता है सो तो उसकी नीड्स बहुत सारी हैं तो उनमें से मेजर सेवन नीड्स मैंने कवर कर दी हैं आप चाहो सेवन की सेवन लिख दो चाहो थोड़ा और ऐड करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो एंड देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका स्ट्रक्चर समझेंगे ठीक है तो आज के लिए इतने का तैयार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय